वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फोटोशॉप में। तो सबसे पहले तो मैं आपको आप सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ और न्यू ईयर की एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। तो अब कम टू द पॉइंट, आज हम सीखने वाले हैं एक बढ़िया सा एनिमेशन इफेक्ट्स इन द फोटोशॉप। So without any further ado, let's get started. तो गाइस, हमारे पास यहाँ एक PNG इमेज जिससे हम एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नई एक बढ़िया सी ए लेंगे, क्या न्यू लेयर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ दिवाली और बाकी की सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दीजिएगा, ऐसे ही अच्छी लगती है। और ओके ओके प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को ये लॉक खोल दूंगा जिससे ये लेयर ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या करूंगा, यहाँ से पेंट बकेट टूल लेके आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ये वाला कलर और ये फिल कर दिया। अब मेरे को इसका डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे की मदद से बना लेता हूँ। अब इसकी साइज थोड़ी छोटी और ओके। अब फिर से मैं पेंट बकेट तोड़ लूँगा और कलर थोड़ा सा पर्पल रख दूँगा और ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसकी भी कॉपी कंट्रोल जे की मदद से करूँगा और अपने हिसाब से थोड़ी सी साइज एडजस्ट करूँगा और ये हो गया ओके। अब क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ से पेंट बकेट टूल लेके एक बढ़िया सा पिंक कलर ले लूँगा और यहाँ से अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल छे की मदद से करूँगा और इसको थोड़ा छोटा और ये हो गया। अब यहाँ से मैं ये इमेज है हमारे पास, उसको मैं ले लूँगा और इसको थोड़ी बड़ी करके ओके। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके अल्टर प्लस क्लिक करके मैं इसको इसके अंदर रख दूँगा ठीक तरह से ओके। अब यहाँ हमारे पास मॉडल है, ये मॉडल हमको गूगल पे सर्च मारना है सिर्फ आपको दिवाली मॉडल इमेज। यहाँ पे हमको बढ़िया बढ़िया सी अच्छी अच्छी इमेज मिल जाएगी ओके। और हाँ, आगे का वो जो फोटोस है सभी वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस मॉडल को यह हम रख देंगे। अब इसके बाद बारी है ये डिज़ाइन की, तो ये डिज़ाइन भी अगर आपको लिंक नहीं मिलेगी तो रंगोली ब्लैक एंड वाइट करके भी लिख सकते हैं टाटा टाटा टाटा। और ये कॉपी करने का, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं ये खाली पेज ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी करके और इसको डिलीट कर दूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है। तो इसका भी मेरे पास एक बढ़िया सा सॉल्यूशन है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक बढ़िया से त्रिकोण का सिलेक्ट में जाऊँगा, उसमें मैं कलर रेंज इसमें कोई भी एक कलर पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके मैं ये सेटिंग्स रखता हूँ और बड़ी ये वाइट कलर सेलेक्ट किया और ये थोड़ा एडजस्ट किया और ये ओके। तो जैसे कि आप देख सकते मतलब देखने वाले है ये वाइट कलर सेलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें बाकी रह जाए तो आप फिर से वही ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, कलर रेंज में जाके फजीनेस सिलेक्ट और डिलीट। ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है, ऐसे ही मैंने ये दूसरी डिज़ाइन भी कटिंग की है। अब इसको यहाँ पे रख दूँगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूँगा और ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसका जो लेयर है वो डाउन की मदद से अलग अलग चेंज करके देखूँगा कि कौन सा इफेक्ट सबसे अच्छा लगता है। आप ऐसे कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं,
जो आपको अच्छी लगे वो रख सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन वो अपने माइंड से बनानी पड़ती है। ऐसे ही मैं एक दूसरी बढ़िया सी इमेज डिज़ाइन ले लूँगा, इधर रख दूँगा और यहाँ पे लेयर्स में जाके डाउन की मदद से अलग अलग चेक करके रख दूँगा। तो ये पिंक लिया और इसकी ओपी स्थिति को थोड़ी आधी कर दी 50 और ये डन। सो दिस इज द डिज़ाइन, इट्स कॉल्ड डिज़ाइन। हाँ जस्ट की अब टेक्स्ट टूल की मदद से पर यस आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आपको जो स्टाइल रखनी है या फिर जो साइज रखनी है, जो कलर रखना है, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैं ये दिवाली का है उत्सव, तो इसमें रंग बिरंगी कलर ही ऑब्वियसली अच्छे लगेंगे। तो मैं लिखता हूँ हैव अ हैप्पी एंड अ ब्यूटीफुल दिवाली और उसकी साइज, और इसके साथ मैंने कुछ अच्छी नेट पे से उठाई हुई पोएट्स भी लिखी है। जस्ट किडिंग। अब मैं ये तीन चीज़ों को, तीन लेयर को ग्रुप कर दूंगा जिससे हमारी एक अच्छी सी फ्रेम बन जाएगी। ओके अब क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूंगा। एक बार एडजस्ट हो जाए उसके बाद क्या करना है, तो सभी लेयर को राइट क्लिक करके एक एक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप कंपलसरी करना है, इसके बगैर एनिमेशन होगा नहीं। तो सभी लेयर को मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी है एनिमेशन की, तो सबसे पहले विंडोज़ में जाके ये टाइमलाइन को ओपन करेंगे। यहाँ से हम क्रिएट टाइमलाइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे सारे लेयर्स आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके तो सबसे पहले तो ये 5 सेकंड का वीडियो है, आप देख सकते हो ऊपर। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, मुझे ये वीडियो चाहिए 10 सेकंड में। तो ये हो गया 10 सेकंड। ऐसे ही सभी लेयर को मैं 10-10 सेकंड में कर दूँगा। एंड डन अब ये हो गया। अब चालू करेंगे एनिमेशन। तो सबसे पहले पहली वाली डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। तो ये डिज़ाइन का लेयर का नाम देखेंगे, तो ये नाम है लेयर 2। तो सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको राउंड कर देंगे राउंड 1 और ऊपर वाली का राउंड 2। ओके आप इस पे डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक टाइमलाइन में ही चेंज हो ही जाएगा। अब क्या करना है, तो सबसे पहले राउंड 1 की बारी, तो उसका ये अब हम ट्रांसफॉर्म बटन ऑन करेंगे जिससे ये ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब कि आप जैसा भी ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। और ये टाइमलाइन को सबसे आखिर में, मतलब कि 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में क्या होगा वो आ जाएगा। अब ये कंट्रोल टी प्रेस करके ऊपर हम उसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री में, जिससे ये पहले सेकंड में 0 डिग्री में रोटेट था और 10 सेकंड में आ जाएगा, तब तक ये 19 हो जाएगा, मतलब कि एक रिक का एनिमेशन इफेक्ट आ जाएगा। आप शांति से ट्राई कर से देख सकते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि ओपेसिटी, मतलब कि ये गायब होके वापस आए, ऐसे इफेक्ट डालनी है मुझे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ी आगे टाइमलाइन को ले जाता हूँ और इसको मैं 3 पे रख देता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी अभी फुल है, मतलब कि 100 है, आप देख सकते हैं। अब पहले सेकंड में जाएंगे तो इसको मैं कर दूंगा 100 से पूरा 0, मतलब कि स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा और धीरे धीरे आएगा तब तक दिखता जाएगा। देखिए पहले पहले आप डिज़ाइन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, कृपया करके। तो ये बम फूटा और ये हमारी डिज़ाइन गायब होके वापस आए। तो ये एक सिंपल सी तरीके, ये सेम टू सेम राउंड 2 में करना है। तो सबसे पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि इसको रोटेट की
एनिमेशन देनी है, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके उसको ओपन करने का। अब आप देख सकते हैं कि उसकी ये की फ्रेम कैसे, की फ्रेम मतलब कि ये जो डॉट डॉट दिखते हैं उसको की फ्रेम बोलते हैं। अब इसको मैं 90 नहीं, इसको मैं -19 करूँगा कि मुझे इसको अपोजिट साइड में रोटेट करना है। इसलिए आप देख सकते हैं, अगर देखना हो तो हो जा। और हाँ, दूसरी एक चीज़ कि आप जो की फ्रेम है मतलब कि जो ये डॉट है डॉट, उसको भी आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। मतलब कि समझ लो कि ये अभी 3 सेकंड पे, मुझे 10 सेकंड पे ले जाना है, तो ऐसे खींच के ले जा सकते हैं। अब बारी है, ये देखिए, आप देख लीजिए एक बार, ये देखो ये रोटेट उल्टी साइड हो गया क्योंकि मैंने -19 में डाला। अगर प्लस में डालता तो दूसरी साइड घूमता। अब ओपेसिटी में तो सेम ही करना है, सबसे पहले तो 3 सेकंड पे रख देता हूँ और ये ओपेसिटी हमारी 100 है। और ये की फ्रेम को हम ऑन कर देंगे, मतलब वो स्टॉप बटन को क्लिक। अब हम इसको 0 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे गायब होके वापस आ सकता है। अब बारी है हमारे ऊपर की फ्रेम की, तो फ्रेम में क्या करना है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये रही हमारी फ्रेम। तो नाउ अब हम इस फ्रेम को एनिमेशन देंगे, तो ओके ये सेट हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, सिंपल है, सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी ये दो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप फोटोशॉप में भी एक सिंपल सा एनिमेशन बना सकते हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं है, समझ लो कि मुझे ये फ्रेम को ऊपर से नीचे लाना है, तो सबसे पहले तो मैं ये फ्रेम को ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि ऊपर से नीचे लाना है, इसलिए तो ये जाएगा पहले ऊपर। अब क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्म का स्टॉपवॉच चालू करने का, अब कितनी सेकंड के बाद नीचे आएगा उतनी सेकंड पे ये रख देने का लाइन को। और अब कुछ नहीं, सिर्फ की और के साथ इसको नीचे खींच लेने का और एंटर, और नीचे लेके एंटर मारने का, और ऑटोमेटिक दूसरी की फ्रेम तो बन ही जाएंगी। आप प्रीव्यू करके ऐसे देख भी सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद इसकी भी आप ओपेसिटी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, तो समझ लो। हाँ भाई, हो गया भाई, थोड़ा पीछे। अब हमारे पास अभी मैंने ओपेसिटी 0 कर दी है, अब इसको थोड़ा दूर करके ओपेसिटी को 100। आप स्टॉपवॉच चालू करना भूलिएगा मत, उसको कंपलसरी चालू रखने का है, तभी एनिमेशन का की फ्रेम होगा। और दूसरा, हमको कोई भी एनिमेशन करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ हम मॉडल को सिर्फ सिंपल सा एनिमेशन दे रहे हैं, वैसे सब में जैसा दिया है वैसे ही इसमें भी हम मॉडल को दिया और टेक्स्ट को भी ऐसे ही देना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। तो देख लेते हैं हैप्पी दिवाली को कैसे दिया। ओके, अब ओबेसिटी आपको सेम टू सेम प्रोसेस है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हो जाएगा। तो प्लीज़ इन्जॉय समटाइम। ओके, अब इसके बारे तो आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, सभी इमेज और मॉडल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए,
अगर आपको नहीं मिलेगी डिस्क्रिप्शन से तो आप सर्च मार के भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, मैंने इसको थोड़ा अलग साइज से रखा। ओके, अब लेयर, ये जो जामली लेयर है उसकी बारी, उसको सिर्फ ओपेसिटी 0 से 100 करनी है। ओके, तो ये जब फ्रेम नीचे आएगी तब ये पूरी 100 हो जाएगी। तो अब क्या करना है, एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद रेंडर, रेंडर मतलब कि वीडियो में कन्वर्ट करना है। अब आपको यहाँ जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं, इधर से मीडिया एनकोडर, और इधर से आप जो फोल्डर में सिलेक्ट मतलब कि रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये फॉर्मेट है और ये कितनी क्वालिटी में चाहिए, तो मैं अभी ले लेता हूँ 720। आप जिसमें रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं, बाकी की सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दो और रेंडर पे क्लिक कर देने का। तो ये रेंडर की प्रोसेस में थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन अच्छे से हो जाएगी। अब अंदर एक मीडिया एनकोडर है उसको भी ध्यान में रखिएगा, वही सिलेक्ट होना चाहिए तभी ये वीडियो में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं, फाइनली ये हो गया, तो देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो में थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, तो प्लीज लाइक्स एंड फॉलो, दिस इज नॉट इंस्टाग्राम आई नो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिलो कर देना प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।